तो अभी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब आवाज आ रही है। हेलो नेहा, शशि गुड मॉर्निंग, मधु गुड मॉर्निंग, इशरत गुड मॉर्निंग, सबसे गुड मॉर्निंग मैंने कर लिया। अनु गुड मॉर्निंग, निशि खुश रहो भाई, नीता गुड मॉर्निंग, मधु गुड मॉर्निंग। अब तो आवाज आ रही होगी ना। आदित्य गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो आप सभी का भाई बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट बुक टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट बुक है। ओके गुड मॉर्निंग सदर आलम गुड मॉर्निंग। आ रही है, बेहतर है। तो भाई एक काम कर दो, पहले नंबर पे शेयर कर दो क्लास को, है ना, जल्दी से शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एजे। आ रही है, ठीक है, ओके 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 ओके। बस यही सुनना था कि आवाज़ आ रही है। चलिए तो आज भाई हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरीज को जो आपको बहुत ही कम समझ में आती होंगी, लेकिन हम समझेंगे प्रॉपर तरीके से, ओके, और बहुत अच्छे से, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बट जो स्टेटेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली, ओके। तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्किनर और पावलोव के थ्योरी को। ध्यान से समझिएगा और एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से समझते हुए चलिएगा। जहाँ पर ना समझ में आए मुझे रोक करके आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो पूरी क्लास में आपको बने रहना है, बीच में क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ करके जाना है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो, ओके। चलिए आइए, तो सबसे पहले मैं आप सबको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के बारे में बताना चाहूँगी। जब आप टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करते हैं, एक ऑप्शन आपके पास में आता है सुपर कोचिंग का। तो बेसिकली सुपर कोचिंग पर पेड क्लासेस होती हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलते हैं आपके सब्जेक्ट के लिए, जिससे आप सीटेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। अलग अलग मंथ की फ़ीस अवेलेबल है और वहाँ पर आपको सीटेट के लिए सुपर टीचर्स मिल जाते हैं, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी मिलती है, जिनके साथ में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं अपने सीटेट के एग्ज़ाम की, और साथ ही साथ आप फर्स्ट टाइम में अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। अगर आप उन टेस्ट सीरीज को करेंगे, आप उन क्लासेस को करेंगे, तो उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सब चीज़ें आपके आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई ज़रूर करा देंगी, ऐसा मेरा कहना है आपसे। बाकी सीडी पे आप मुझसे पढ़ते रहिए, 30 में 30 तो आप लेकर के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में भी इधर उधर हो जाए, 30 में 29 ले आओ, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो एकदम आउट ऑफ लीक दे ही दे देते हैं, है ना। चलिए तो हम कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अगली बात ये कि सुपर कोचिंग क्यों और सुपर कोचिंग में आपको मिलता क्या क्या है। तो भाई सुपर कोचिंग पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कोचिंग पे आपको स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सुपर कोचिंग पे आपको वीडियो क्लासेस मिलती हैं, आपको डाउट क्लासेस मिलती हैं, जिनके साथ में आप अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको अलग अलग किसी भी चीज़ को देखना नहीं पड़ेगा, परचेज नहीं करना पड़ेगा, एक ही ऐप आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और आप सारी चीज़ों को एक्सेस करिए, ठीक है। तो आइए भाई, टॉप फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर आपके लिए इंडिया के, जिनके साथ में आप कंप्लीट तैयारी करेंगे। और आपको बता दूं कि जो सुपर कोचिंग की फ़ीस है वो अलग अलग मंथ की अलग अलग फ़ीस है, जैसे कि 6 मंथ की अलग फ़ीस है, 1 साल की अलग फ़ीस है, 2 साल की अलग फ़ीस है। तो जब आप सुपर कोचिंग को ऑप्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप अगर सुपर कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप यूज़ कीजिएगा मेरा कोड मोनिका20, जिससे आपको मिलेगा यहाँ पर 20% का डिस्काउंट, ओके। तो जल्दी से आप लोग सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर लो, मेरी भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सुपर कोचिंग पे, ओके। मैं क्लासेस ले रही हूँ 12 बजे और शाम को 7 बजे, तो आप लोग आ जाइए, ओके। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो मोनिका20 नहीं भूलना है आपको, MONIKA20 कैपिटल में रहेगा, इसको कूपन कोड में लगाना तो भाई 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी क्लासेस का टाइम मैं आपसे शेयर कर दूं कि 10 बजे सुबह डेली यूट्यूब क्लास आपकी हो रही है और 1:30 बजे आपके ऐप पर भी क्लास हो रही है, और होपफुली जल्द एक क्लास और उससे आपकी स्टार्ट होगी जो कि मास्टर क्लास यानी कि फ्री क्लास रहेगी, शाम को 4:30 यानी कि 4:30 बजे, ठीक है। चलिए आइए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तैयार हो भाई?
एक बार और जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लो, फिर शुरू करें क्लास को। और इससे पहले के जितने भी सेशन है वो सब आप लोग देख लो। आदित्य, 7 बजे कल मेरी सुपर कोचिंग पे क्लास हुई थी, आप आए नहीं थे, ठीक है? चलिए, बाकी सब्सक्राइब कर लो चैनल, अगर नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। ओके, आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, जो कि हमें स्किनर ने दिया हुआ है। 4:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पे क्लास स्टार्ट हो रही है निशी, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरी क्लास को और शुरू करते हैं। ध्यान से फोकस कीजिएगा मेरी बातों पर जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, चटियाने में लग जाओ, है? तो सीखने का अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत स्किनर ने दिया है, और एक और सिद्धांत डिस्कस करेंगे जो पावलाव ने आपको दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, इन दोनों सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, और पहले हम डिस्कस करेंगे आरएस थ्योरी को, जो कि हमको दी है किसने, स्किनर ने दिया हुआ है, बीएफ स्किनर, ठीक है? आइए तो भाई देखिए, आकर के यहाँ पर आओ पहले, बाद में हम पीछे जाएंगे। जो आपके बीएफ स्किनर हैं, इन्होंने एक प्रयोग किया था, इन्होंने थ्योरी दी है लर्निंग में, अधिगम में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, ठीक है, कि बच्चों को हम कैसे लर्न करा सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं एकदम आज क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। कृति, गुड मॉर्निंग। ओके, हाँ रिंकेश, टेंशन नहीं लो। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने अधिगम में अपना सिद्धांत दिया है, अधिगम में इन्होंने प्रयोग किया हुआ है, उसके बाद अपनी थ्योरी दी। स्किनर व्यवहारवादियों में आते हैं, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ओके, इन्होंने जो प्रयोग किया है वो चूहे के ऊपर प्रयोग किया है, और साथ ही साथ कबूतर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया है, दो प्रयोग, ठीक है, बाकी और भी एक्सपेरिमेंट रहे हैं, पर जिसके बेस पे थ्योरी दी है वो ये इन्होंने प्रयोग किए हैं। फर्स्ट हम इनको देखेंगे और उसके बाद में इनकी थ्योरी पर हम बैक होंगे, इनकी थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। खुश रहो भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है, आइए। चलिए तो यहाँ पर आपके सामने एक तरफ चूहा दिख रहा होगा, एक कबूतर, दोनों अलग अलग प्रयोग रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चूहे को इलेक्ट्रिक बॉक्स में बंद किया, ठीक है, यहाँ पर बटन लगे हुए थे, स्पीकर लगा हुआ है, लाइट का सिस्टम है, ओके, एक इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई है ये, ठीक है, ये फूड कप है आपका। अब इसमें क्या किया, चूहे को इन्होंने बंद किया। अब भाई चूहे को अगर बंद कर दोगे तो वो क्या एक स्थान पर स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा, चूहा इधर उधर उसमें घूम रहा है, अंदर ही उसी बॉक्स में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ममता गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब जब चूहा इसमें घूम रहा है इधर उधर, तो सडन क्या होता है, उसका एक पैर पड़ता है बटन के ऊपर, ठीक है, तो सॉरी, हाँ यहाँ पर लीवर पे उसका पैर पड़ता है। अब उसने क्या किया, जब इसका पैर पड़ा तो यहाँ पे अचानक से उसको करंट लगा, ठीक है, उसको क्या लगा, उसको करंट लगा, ठीक है। तो अब भाई जब करंट लगेगा तो क्या हम दोबारा उस चीज़ के पास में जाएंगे जिससे हमको करंट लगा है? चूहा भी इतना पागल तो है नहीं, गुड मॉर्निंग, है ना? तो चूहे को जिससे करंट लगा, चूहा उसके पास में दोबारा जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे बताओ, क्या वो उस साइड जाएगा जहाँ से उसको एक बुरा रिस्पॉन्स आया है? बोलिए, नहीं जाएगा, है ना? अब क्या हुआ, चूहा फिर वापस घूम रहा था लेकिन उधर नहीं गया जिधर उसको करंट लगा था, गया भाई, है ना, पड़ा उसका पैर। अब वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से खाने की गोलियाँ निकलना शुरू हो गई, ठीक है। जब वहाँ से खाने की गोलियाँ निकलना शुरू हो गई तो वो बार बार फिर अब उधर ही जा रहा है, उसको खाने की गोलियाँ मिल रही तो वो उधर ही जा रहा है। अब अगर हम अपना इसी तरह से प्रयोग हुआ था आपके कबूतर के ऊपर भी सेम, ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, जैसे कि मैं हूँ एक और टीचर है, मैं आपको रोज़ डांटती हूँ, मैं आपको रोज़ चिल्लाती हूँ, मैं आपको, है ना, एकदम इंसल्ट करके भगा देती हूँ, तो आप मेरे पास नहीं आओगे क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा अगर जो टीचर है उससे आपकी खूब बन रही है, वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, अच्छे से आपसे बातचीत कर रहा है, आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व कर रहा है, तो आप उसके पास में जाओगे क्योंकि वहाँ पर जो रिस्पॉन्स हुआ है वो अच्छा हुआ है, राइट? इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बताइए। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इतनी बात आपको समझ में आई? तो भाई स्किनर ने कहा कि उद्दीपक के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि मैं टीचर हूँ या दूसरा टीचर है, इस पे डिपेंड नहीं करता है,
डिपेंड करता है कि हमारा और आपका रिस्पॉन्स क्या रहा है, उस रिस्पॉन्स से आपको रिजल्ट कैसा मिला है, आप तभी दोबारा अनुक्रिया करेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमारा तुम्हारा नेगेटिव रिस्पॉन्स रहा है तो आप दोबारा मेरे साथ में नहीं आओगे, नहीं बातचीत करोगे, नहीं क्लास आओगे आप। ठीक है, अब देखो आकर के। ठीक है, ठीक है निश्चित, मैं बता दूंगी लास्ट में। हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा। अब यहाँ पर क्या हुआ आपका, ध्यान से देखिएगा, आप नहीं आओगे मेरे पास में, लेकिन जहाँ अच्छा रिस्पॉन्स हुआ वहाँ आप जाओगे, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि उद्दीपक इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ से हमें रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, हमारी अनुक्रिया कैसी हो रही है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो भाई जिस जगह से चूहे को करंट मिला था वो उस जगह पर दोबारा नहीं जाएगा, जहाँ से चूहे को खाने की गोलियाँ मिल रही थी वो वहाँ पर ज़रूर दोबारा जाएगा। तो बेसिकली अब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स हुआ, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स की तरफ तो वो जाएगा नहीं, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। हमारा ही हाल ले लो, जैसे कि मान लो कि मैं आपको चॉकलेट देती हूँ, दूसरा टीचर आपको डंडे देता है, कुटाई कर देता है, तो आप मेरे पास आओगे, वहाँ आप नहीं जाओगे, क्योंकि हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है आपके साथ में। तो यहाँ पर कौन मेन हो गया, जल्दी से आंसर करो, अभी बस स्टार्ट हुआ है। इन्होंने रिस्पॉन्स को इम्पोर्टेंस दी है क्या? मैं बढ़िया, ज्ञानाक्षा बोलो भाई जल्दी से, क्या इन्होंने रिस्पॉन्स को इम्पोर्टेंस दे दी है आपके स्किनर ने, बताइए। है ना, तो इन्होंने रिस्पॉन्स को इम्पोर्टेंस दे दी है, ओके। तो इसलिए भाई क्या हो गया, इसलिए आर पहले आ गया, रिस्पॉन्स पहले आ गया और स्टिमुलस बाद में हो गया, इसलिए इनकी थ्योरी कहलाती है आरएस, यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक रहे हैं और व्यवहारवादी में ये आते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाता है आपसे। ठीक है, मुझे पहले ये बताओ कि प्रयोग आपको समझ में आया कि नहीं आया, जो बच्चे क्लास ले रहे थे जल्दी से बता दो भाई, क्या प्रयोग आपको समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं एक बार सबके कमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि ये थ्योरी में आपको डाउट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, हाँ, आज की पहली स्लाइड है अभी। तो रिस्पॉन्स को जब इन्होंने इम्पोर्टेंस दे दिया, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, इसलिए रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी इनकी कहलाई स्किनर के द्वारा। स्किनर की थ्योरी हम और नाम से जानते हैं, कभी कभी नाम चेंज करके भी ये दे देता है आपको। ओके, तो कौन सा नाम आपको मिल जाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन। पूछ लेगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन निम्न में से किसका, आपको याद रखना पड़ेगा कि स्किनर की ही थ्योरी को हम कहते हैं। ओके, अगला पॉइंट है नैमित्तिक अनुकूलन या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये भी थ्योरी आपको किसने दी है, आपके स्किनर ने ही दी हुई है। स्किनर सबसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षिक मशीनों का प्रयोग किया था, ये पूछ लिया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। ओके, चलिए, हाँ, प्रबलन का सिद्धांत जो है वो आपके प्रबलन सिद्धांत, वो आपके क्लार्क हल है, लेकिन पुनर्बलन के बारे में, रीइन्फोर्समेंट के बारे में सबसे पहले जो बात करी है वो स्किनर ने ही की हुई है। ओके, चलिए, टेस्ट बुक पे एक साल का, बेटा अमित एक काम करना, सुपर कोचिंग को आप चेक करना जा करके, ठीक है, एक साल का, बाकी मैं कल देख करके आपको बताती हूँ, आप सुपर कोचिंग में जाइएगा और उसमें देख लेना, कोड लगाओगे तो कम हो जाएगा वो, ठीक है, मोनिका 20 कोड लगा लेना, उससे कम हो जाएगा। चलिए, तो इनकी, इन्होंने एक और थ्योरी दी है, ये नाम आप याद रखिएगा, पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम लर्निंग भी दिया हुआ है, अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत भी आपको दिया है, किसने, स्किनर ने दिया है, कि हम चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं, याद करते हैं।
ओके, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप कोई डाउट हुआ होगा। इसमें कोई डाउट है आपको, जल्दी से बता दो। और जिस बॉक्स में इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था उसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, जिस बॉक्स में इन्होंने कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था उसे कबूतर पेटिका बॉक्स कहते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, आइए। नोट्स अगर बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। ओके, चलिए। और इन्होंने अपनी जो थ्योरी आपको आई गेस 1938 के अराउंड दी हुई थी, ठीक है, इसी के अराउंड इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। बाकी आइए तो इनकी बुक का नाम हम देख लेते हैं। इनकी बुक का नाम क्या है, पहले इस चीज़ को डिस्कस कर ले। इनकी बुक का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ये वाली पुस्तक पूछी गई है, यूपी टेट में पूछी गई है इस बुक को, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, थोड़ा साइड हो जाऊं, ये काम नहीं, रिपीट वाला काम गड़बड़ करा रहे हो, तो तुम लोग लेट आते हो, टाइम से आया करो, ठीक है। हाँ, तो भाई एक निष्कर्ष क्या निकला आपके स्किनर की थ्योरी से? निष्कर्ष ये निकल करके आया कि इनकी जो थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डिपेंड करता है कि उससे हमें रिस्पॉन्स क्या मिला है, उससे हमें परिणाम क्या मिला है। तो बेसिकली इसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड हो जाती है किसकी थ्योरी, स्किनर की थ्योरी। तो रिस्पॉन्स दोबारा होगा या नहीं होगा ये उद्दीपक पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिक्रिया से प्राणी को नुकसान हुआ है या लाभ। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, मैंने उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड दिया, आपको कोई चॉकलेट दे दी। एक काम आपने और किया जिसके ऊपर आपकी कुटाई हो गई, तो अब आप कुटाई वाला काम नहीं करोगे, आप वो काम करोगे जिससे आपको चॉकलेट मिली हुई थी, ठीक है। तो ऐसे स्किनर की थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम में भी बच्चों के ऊपर, राइट। तो ये पॉइंट आप सबको समझ में आ गया हो तो जल्दी से बता दो भाई, पेडागॉजी कब पढ़ाएं? अरे भाई पेडागॉजी एमसीक्यूज के थ्रू आपकी डेवलप होगी, आएगी, वो भी पढ़ा दूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहले ये सब चीज़ें तो कवर कर लें, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको, जल्दी से बता दो, एनी डाउट? क्लियर है सभी को? आइए चलो, तो स्किनर ने क्या किया, स्किनर ने रिस्पॉन्स को दो भागों में डिवाइड किया, ठीक है। स्किनर ने रिस्पॉन्स जो अनुक्रिया कर रहे थे इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक जो कहलाती है क्या, प्रतिवादी अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, और एक कहलाती है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया ऑपरेंट रिस्पॉन्स। प्रतिवादी अनुक्रिया को हम टाइप एस कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को हम टाइप आर कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ ये भी पूछ देता है कि टाइप आर कंडीशनिंग किसके साथ में जुड़ा है, तब आपको ध्यान रखना है कि स्किनर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ओके चलो, कंपट तक नहीं दिए हैं, अब मिलो तो कंपट मैं दूँ, 15 अगस्त आ तो रहा है तो कंपट तुम लोग को मैं बांटूंगी। हाँ, तो भाई प्रतिवादी अनुक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो प्रतिवादी अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया को कहा जाता है जो स्पष्ट उद्दीपक के द्वारा उत्पन्न होती है और जिसका स्वरूप अनैच्छिक होता है, मीन्स इच्छा की इच्छा नहीं है लेकिन स्टिल वो चीज़ हो रही है। एग्जाम्पल, सामने आपके खाना रखा हुआ है, मुझे बताओ कि सामने खाना जो है वो स्पष्ट उद्दीपक है क्या, सामने जो आपके खाना है वो स्पष्ट उद्दीपक है कि नहीं है, जल्दी से बता दो। तो सामने खाना स्पष्ट उद्दीपक है, बहुत ही बढ़िया सा पनीर लबाबदार और लच्छेदार पराठे रखे हुए हैं आपके, है ना। अब ये तो स्पष्ट हो गया,
लेकिन इसको देख करके गिरने वाली जो लार, मतलब मुंह में आने वाला पानी, वो अनैच्छिक होगा कि नहीं होगा, बिना इच्छा के हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो भाई ऐसी अनुक्रिया जिसमें स्पष्ट होता है उद्दीपक लेकिन हमारा रिस्पॉन्स अनैच्छिक होता है, इसे कहते हैं हम प्रतिवादी अनुक्रिया। समझ में आया? जल्दी से बता दो। मुंह में सबके पानी तो नहीं आ गया? क्यों, कढ़ाई पनीर वगैरह सुन के तो पानी आ जाता होगा ना, मोमोज है, पास्ता है ना, इनको देख के मुंह में पानी आता है। और मुंह में जब पानी आता है तो मुंह में पानी आना एक अनैच्छिक क्रिया हो गई, लेकिन मोमोज तो सामने एकदम स्पष्ट थे, तो स्पष्ट उद्दीपक को देख करके जो हम अनैच्छिक रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, जो स्वयं ही हो जाता है, तो इसे कहते हैं प्रतिवादी अनुक्रिया। क्लियर सभी को? ओके, आइए एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्पष्ट है उद्दीपक आपके सामने। नेहा प्लीज साथ साथ नोट्स मत बनाओ, नोट्स आप बाद में बना लेना, पहले मुझे समझ लो, ठीक है, अदरवाइज नहीं आपको समझ में आएगा। ओके, क्योंकि ऐसी थ्योरीज भी हैं कुछ जिनको आप समझेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको पहले पढ़ लो, उसके बाद में नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है? ओके, यू हेट पनीर, ओ माई गॉड, फिर तो इस दुनिया में रहने का हक खो चुकी हो मयूरी तुम, इफ यू हेट पनीर है। तो उस सॉरी स्पष्ट उद्दीपक को देख करके अनैच्छिक रिस्पॉन्स। अब हम क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बारे में बात अगर करें तो ये वैसी अनुक्रिया को कहते हैं जहां पर अस्पष्ट होता है उद्दीपन। अब मुझे ये बताइए कि सीटेट कब होगा किसी को पता है कोई डेट, सुपरटेट कब होगा किसी को पता है कोई डेट, या केवियस कब होगा किसी को पता है कोई डेट, उद्दीपक अस्पष्ट है क्या? आंसर करिए भाई जल्दी से, क्या उद्दीपक अस्पष्ट है? अब आपका उद्दीपक अस्पष्ट है, लेकिन आप फिर भी इच्छा के अनुसार पढ़ाई कर रहे हो ना, हाँ, तो स्पष्ट अस्पष्ट उद्दीपक है, लेकिन जो क्रिया हम कर रहे हैं वो ऐच्छिक हो रही है, इच्छा के अनुसार हो रही है, तो इसे कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। एमपीडेट का रिजल्ट का तो अता पता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? ये दोनों जल्दी से मुझे बता दो, है ना? तो अस्पष्ट है लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी हम क्लासेस जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो जब स्पष्ट उद्दीपक के प्रति अनैच्छिक रिस्पॉन्स है, दिस इज कॉल्ड प्रतिवादी अनुक्रिया, और जब अस्पष्ट उद्दीपक के प्रति ऐच्छिक रिस्पॉन्स है, तब इसे कहते हैं हम क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए एमपीडेट के रिजल्ट के लिए एक गाना याद आता है कि वो पिया आए ना, और वो पिया पता नहीं कब आएंगे, डोंट नो। ठीक है, आइए तो भाई स्किनर के ऊपर कुछ और चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए आकर के क्या है। स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन को इम्पोर्टेंस दी है। तो जब कभी भी पुनर्बलन दंड पुरस्कार के बारे में बात कर रही हैं, क्या कह रही है ज्ञानाक्षा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सीधी सी बात हो रही है किसके बारे में, स्किनर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि स्किनर ने ही दंड पुरस्कार इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ओके, आइए तो पुनर्बलन किसको कहते हैं, रीइंफोर्समेंट किसको कहते हैं, रीइंफोर्समेंट उस चीज को कहते हैं वैसा उद्दीपन जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, चूहा जब लीवर को प्रेस कर रहा था तो भोजन की गोली मिली, अब भोजन की गोली मिली तो उसको पुनर्बलन मिला, अब वो बार बार उसी चीज को टैप करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने कोई काम किया और मैंने उस काम के ऊपर आपको चॉकलेट दी, तो अब आप वैसा काम ही करोगे। तो पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का काम यही होता है कि भविष्य में किसी भी रिस्पॉन्स की होने की संभावना को बढ़ा देता है। क्या पुनर्बलन आपको समझ में आया? और पुनर्बलन की सबसे पहले बात आपके स्किनर ने ही करी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, अधिगम में पुनर्बलन के बारे में इन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था, और लेकिन प्रबलन सिद्धांत जो है वो क्लार्क हल ने दिया हुआ है। ओके,
और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो भैया आप लोग एक बार, इतना तो कर ही सकते हो, राइट राइट और रॉन्ग। ठीक है, आइए। तो इन्होंने पुनर्बलन को दो प्रकार बताए हैं पुनर्बलन के। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। एक प्रकार है सकारात्मक पुनर्बलन और एक है आपका नकारात्मक पुनर्बलन, मीन्स पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट और आपका नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट ऐसे रीइन्फोर्समेंट जिनसे हमें सुखद अनुभव मिलता है, जैसे कि पुरस्कार है ना, प्रशंसा या कोई चॉकलेट दे दिया, ठीक है, या हमने कोई छात्रवृत्ति वगैरह दे दी गई बच्चे को, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में आते हैं, इनसे फिर रिस्पॉन्स हमारा बढ़ेगा और इनसे सुखद अनुभव आपको होता है, ठीक है, अच्छा फील होता है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट जिनसे हमें दुखद अनुभव होता है, ठीक है, जैसे कि आपकी कुटाई कर दी जाए, है ना, दंड मिलना, डांटना, पटकारना, बेइज्जत करना, है ना, सामने मुंह पे इंसल्ट कर दे रहे हैं बच्चे की, तो इसी चीज़ को नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे ऐसा लगता है, एक बार हाँ कर दो कि अगर हमको समझ में आ गई है तो। चलो से यस भैया, लाइक कर दो। मयूरी का पूरा फोकस है, नहीं तो मयूरी कुटाई कर देती है कि 18 लाइक क्यों है सिर्फ, 32 लोग हैं तो। चलो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ओके। आइए अब इन्होंने पुनर्बलन अनुसूची यानी कि रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के बारे में भी बात करी है। अब रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के ऊपर जब हम बात करेंगे तो क्या हो गया, अच्छा ये बताया तो था मैंने 1938 आपको, ठीक है, चलो, और कबूतरपुर उसके बाद में प्रयोग हुआ था, ठीक है, हाँ मैं कर दूंगी पीडीएफ सेंड। तो पुनर्बलन अनुसूची के ऊपर इन्होंने बात करी। अब पुनर्बलन अनुसूची में भाई दो प्रकार हैं, एक है सतत पुनर्बलन और एक है आंशिक पुनर्बलन, मीन्स कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। अब समझिएगा इस चीज़ को कि कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या है। जैसे कि हमारे पापा रोज सुबह हमको 2 रुपए देते हैं क्योंकि हम उनका काम कर देते हैं, जूते में पॉलिश कर देते हैं, रोज सुबह 2 रुपए दे रहे हैं, या डेली टीचर हमको चॉकलेट दे रहा है, तो ये कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट हो गया क्या? जैसे इस चूहे के ऊपर प्रयोग किया था वैसे ही कबूतर के ऊपर भी प्रयोग किया था, इसको बंद किया था 1943 में, ठीक है, एक बॉक्स में, और सेम इसी तरह का उसके ऊपर भी इन्होंने रिस्पॉन्स लिया था, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ओके। नकारात्मक पुनर्बलन फिर से बताइए, नकारात्मक पुनर्बलन आपका ये होता है कि भाई जिसमें हमें नेगेटिव फीलिंग आई, लाइक हमारी दंड मिल गया हमको, कोई हमारी इंसल्ट कर दे, ठीक है, कोई हमको इग्नोर करे, तो ये नेगेटिव में चले जाते हैं, ओके। मेरे बच्चों ये डायलॉग भी के साथ चला गया क्या मैम? नहीं, एक बार लाइक इनफ है भाई, इससे ज़्यादा लाइक मत करो, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम लाइक करोगे तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार मत, तो एक बार लाइक कर दो, इट्स इनफ, ओके। ज़्यादा लाइक करोगे तो मतलब है ज़्यादा डाइजेशन मतलब गड़बड़ हो जाता है जब ज़्यादा प्यार मिलता है, तो एक एक बार लाइक कर दो सब लोग, ठीक है, 2 बार नहीं करना है, ओके। चलो, तो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, ऐसा पुनर्बलन जो हमको लगातार दिया जाता है, कंटिन्यूस दिया जाता है किसी काम के ऊपर। और जब हम बात करें आंशिक पुनर्बलन के बारे में, तो आंशिक पुनर्बलन में जब हमको पुनर्बलन कभी कभी दिया जाता है, लगातार नहीं दिया जाता है। अब मुझे आप बताएंगे कि आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा अच्छा होता है या सतत पुनर्बलन, बोलो? आंशिक, हाँ मैं एक बार में ही खुश हूँ भैया, आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा अच्छा होता है या सतत पुनर्बलन, आंसर करो भाई। चलो, हाँ नेगेटिव हुआ, राइट अनीता, ठीक है, टीचर्स डांट दे रहा है या बच्चों के सामने कह दे रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये सब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गए ना।
अब क्या हुआ, इन्फोर्समेंट कैसे हो, री इन्फोर्समेंट हो गया निगेटिव, क्योंकि अब भाई साहब तुमने बोला है तो हम करके दिखाएंगे अब तुमको। तो सतत पुनर्बलन ज्यादा प्रभावी नहीं होता है आंशिक पुनर्बलन से। हाँ, सतत पुनर्बलन से ज्यादा अच्छा होता है आंशिक पुनर्बलन, क्योंकि जब हम लगातार बच्चों को रीइन्फोर्समेंट देते रहते हैं तो बच्चों में वो जो जिज्ञासा होती है, वो जो उनके अंदर क्यूरियसिटी होती है किसी चीज़ को करने की, वो कम हो जाती है। और जब हम कभी कभी रीइन्फोर्समेंट देते हैं तो वो जिज्ञासा, वो क्यूरियसिटी इनके अंदर बनी रहती है। तो इसलिए आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा प्रभावी होता है देन सतत पुनर्बलन। नहीं अनीता, सतत पुनर्बलन बिल्कुल, ज्ञानाक्षा बता तो चुकी हूँ मैं तुम्हें बीच में, अभी तुम्हारा वाला है कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था, जिस तरह से चूहा वाला मैंने आपको। अच्छा ज्ञानाक्षा, शुरुआती क्लास में आई नहीं थी ना, तो ज्ञानाक्षा एक काम करो, शुरू में जो एक्सप्लेन किया उसको देखो, ठीक है, बीच में लेट आई हो ना। हाँ, क्योंकि सतत पुनर्बलन में क्या होगा, बच्चा उबने लगेगा, बोर हो जाएगा अगर हम लगातार देंगे उसको रिइंफोर्समेंट। लेकिन कभी कभी जब हम देंगे तो हमारी इच्छा रहती है कि अरे हमको ये मिलने वाला है ना, ऐसा ऐसा काम करेंगे, तो हाँ उसमें एक्साइटमेंट कम हो जाती है। राइट रजनी, तो कंटिन्यूअस ज़्यादा अच्छा नहीं होता देन आंशिक, तो इसलिए आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा प्रभावी होता है किससे, आपके सतत पुनर्बलन से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका आंशिक पुनर्बलन है ना, पार्शियल रीइन्फोर्समेंट जो है, इसके चार प्रकार होते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई आंशिक पुनर्बलन के चार प्रकार हैं, एक फिक्स्ड रेशियो है, एक फिक्स्ड इंटरवल है, एक वेरिएबल रेशियो, एक वेरिएबल इंटरवल है। ध्यान से देखिए आकर के इसको। ओके, चलिए, तो फिक्स्ड रेशियो में आपका क्या है सीन, फिक्स्ड रेशियो का मतलब है कि निश्चित, इसको मैं एक अलग नई स्लाइड पे समझाती हूँ आपको, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो को हम कहेंगे निश्चित अनुपात, ठीक है, मतलब कि जब ये डिसाइडेड हो कि बच्चे को कितना रीइन्फोर्समेंट देना है। जैसे कि एग्जाम्पल, हमको पता है कि हमें चार चॉकलेट मिलेंगी ही मिलेंगी, है ना, हमको जब पता हो कि भाई 12th की क्लास जब हम पास कर लेंगे तो पापा ने हमको साइकिल दिलाने का वादा किया हुआ है, तो वो साइकिल हमको मिलेगी ही मिलेगी। तो जब हमको पता हो कि हमें पुनर्बलन में क्या मिलेगा, ठीक है, पुनर्बलन क्या होगा, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड रेशियो, यानी कि निश्चित अनुपात, जहां पर पुनर्बलन की मात्रा निश्चित हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड रेशियो। लेकिन जब हम बात करें फिक्स्ड इंटरवल के बारे में, तब उसको भी देखो, फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं निश्चित अंतराल के नाम से, जब हमको पता है कि भाई हर 4 महीने में हमको ये चीज़ दी जाएगी, मीन्स जहाँ पर टाइम फिक्स हो कि इतने टाइम के बाद में हमको पुनर्बलन दिया जाएगा, या जब हम 12th क्लास को, मतलब 1 साल के बाद में जब हम 12th पास कर लेंगे, तब हमको कुछ मम्मी देंगी गिफ्ट में, पर ये नहीं पता कि हमको क्या गिफ्ट में मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या है, फिक्स्ड इंटरवल है। हाँ, एक राइट एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया निश्चित, ठीक है। निश्चित अनुपात का मतलब है कि हमको रक्षाबंधन पे जब हम राखी बांधेंगे तब हमको 10 रुपये मिलेंगे, ये फिक्स्ड है हमारा 10 रुपये। हालांकि मत लेना, 10 रुपये से ज़्यादा में काम है ना, अब तो टाइम चेंज हो गया। अब निश्चित अंतराल का मतलब आपका ये क्या हो गया कि भाई डिसाइडेड है कि रक्षाबंधन पे ही हमको ये मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वो हमको नहीं पता है, ठीक है, या तो 10 रुपये भी हो सकता है, 1,000 भी मिल सकते हैं। तो जब टाइम डिसाइडेड हो तो वो है आपका फिक्स्ड इंटरवल, और जब अनुपात डिसाइडेड हो, मतलब कितना मिलेगा, तो इसे कहेंगे हम फिक्स्ड रेशियो, ठीक है, क्लियर, ओके, वेरी गुड। आज की तुम्हें मैं बहुत ही तरोताजा खबर बताती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया, मतलब तुम देख रहे हो, तुम लोग भी कर दो, मैं तो कहती हूँ, और पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, ठीक है। अगला जो, ये तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीन पे आइए, हम इसे कहते हैं
वेरिएबल रेशियो, ठीक है, वेरिएबल रेशियो का मतलब है विविध अनुपात। मुझे कितना, मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं बस राखी वाखी बांध देती हूँ और मिलता विलता कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो विविध अनुपात का मतलब समझ लेते हैं। विविध अनुपात में क्या होता है, जहां पर ये डिसाइडेड ना हो कि हमें कितना पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मुझे नहीं पता कि मुझे राखी पे 100 रुपये मिलेंगे या मुझे 1,000 रुपये मिलेगा, पता नहीं है मुझको कितना मिलेगा, ठीक है, बट कुछ मिल सकता है मे बी। तो जहां पर हमको ऐसा नहीं करूंगी मैं मयूरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा हाँ योगेश राइट, तो तुम 1,000 रुपये तैयार रखो अपनी सिस्टर के लिए, हैं। नहीं आएगा। हाँ, तो वेरिएबल रेशियो विविध अनुपात के बारे में बात करें, जहां पर हमको नहीं पता है कि भाई कितना पुनर्बलन हमको मिलेगा। हमको राखी पे 100 रुपये भैया देगा या हमको 1,000 रुपये देगा, वी डोंट नो कितना मिलेगा, ठीक है। अब अगला जो था उसे हम जानते हैं वेरिएबल इंटरवल के नाम से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं विविध अंतराल। तो भैया अब हमको नहीं पता है कि भैया इस बार हमको राखी पे गिफ्ट देगा या भैया दूज पे गिफ्ट देगा, कभी भी दे सकता है। मे बी इस बार भैया दूज पे हमको दे दे उस 1,000 रुपये, हो सकता है कि राखी भी दे दे, हमको पता नहीं कि कब हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये है विविध अंतराल, मीन्स यहाँ पर एक गैप आपका होगा, ठीक है, कभी भी आपको मिल सकता है। 10 दिन भी मिल जाएगा आपको, कहो 1 साल के बाद में भी मिल जाए, ठीक है। तो अंतराल यहाँ पर आपका डिसाइडेड नहीं है, टाइम डिसाइडेड नहीं है, अलग अलग अंतराल पर आपको क्या मिल जाता है, पुनर्बलन मिल जाता है, ठीक है। चलिए, अरे इरिटेटिंग हो गया था एक टाइम पे आकर के, मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान, इतना ज़्यादा ज्ञान, इतना ज़्यादा ज्ञान, मैं सीढ़ी भी भूल जाती हूँ उसको देख देख के। कह रहा मैं तो 5 रुपये देता हूँ, कोई बात नहीं रिंकेश, नौकरी लग जाए तब देना। चलो चारों समझ में आए हो तो जल्दी से बता दो। अब ये डिपेंड करता है भाई तुम्हारा कितना तुमको चाहता है, देगा या नहीं देगा, बोलिए। हाँ, सबसे अधिक मोटिवेशन वहीं से आता है, लेकिन वो कुछ परमानेंट मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन अगर आपको लेना है तो अपने अंदर से मोटिवेशन लो, ठीक है, अपने फैमिली में, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं मम्मी पापा, उनको देख के लो, ठीक है। वो रील्स का मोटिवेशन बहुत लंबा नहीं टिकता है जब तक इंटरनल मोटिवेशन नहीं है हमारे अंदर, है ना। हाँ ठीक है, हाँ आरती क्लियर है, चलें आगे। वीडियो लाइक कर दो भैया, है या बताओ तुम लोगों की आरती वारती उतारूं वीडियो को लाइक कराने के लिए। चलिए ठीक है, तो एक टर्म यूज करी है स्किनर ने, चार वाला बता दो, चार वाला बता दूं, देख लो एक बार। फिक्स्ड रेशियो में क्या है, पुनर्बलन हमें क्या मिलेगा, वो यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड इंटरवल में क्या है कि हमें पता है कि हमें कब पुनर्बलन मिलेगा, कब क्या चीज़ कब मिलेगा हमको। वेरिएबल रेशियो में हमको ये नहीं पता है कि कितना हमको पुनर्बलन मिलेगा, कितना भी मिल सकता है। और वेरिएबल इंटरवल में हमको ये नहीं पता है कि हमको कब मिलेगा, हमको कभी भी पुनर्बलन दिया जा सकता है, ठीक है। ओके चलिए, हाँ एग्जैक्टली रिंकेश, ये बात तुमने बहुत सही कही, रील्स का मोटिवेशन दूसरी रील देखने तक ही रहता है, ठीक है। आइए, तो एक टर्म यूज करी है शेपिंग, ठीक है, स्किनर की टर्म है, पूछ ली जाती है कि ये टर्म किसने दी है। ओके, तो ये टर्म आपको किसने दी है, ये टर्म दी है आपको स्किनर ने, इम्पोर्टेंट टर्म है। शेपिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर को, व्यवहार को पुनर्बलन के द्वारा एक लक्ष्य की ओर ले जा सके। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, हेलो पूजा, तुषार गुड मॉर्निंग, कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, लेकिन हमने क्या किया, उसको बोला कि तुम ये चैप्टर याद कर लो, तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी, अच्छा तुम ये वाला चैप्टर भी याद कर लो तो तुम्हें मैं कुछ गिफ्ट करूंगी। तो हमने क्या किया, वहां पर उसको पुनर्बलन दे दे करके एक हम उसको लक्ष्य की ओर लेकर के चले गए। तो दिस इज कॉल्ड शेपिंग, और ये टर्म यूज करी है स्किनर ने, ठीक है। एनी डाउट, आज 1:30 बजे टेक्स्ट बुक ऐप पर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो
तो प्लीज़ बी ऑन टाइम, ओके। और टेक्स्ट बुक ऐप पर 4:30 बजे भी आज क्लास हो सकती है, ओके। अपडेटेड रहिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आइए, अब अगर हम स्किनर की थ्योरी को अपने क्लासरूम में लागू करें तो हम कैसे लागू कर सकते हैं भाई? हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को हमें किस लिए पढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव्स हमको पता होने चाहिए, ओके। अगली बात है कि भाई इसमें बाह्य पुनर्बनन के ऊपर जोर दिया गया है, मीन्स कुछ हमें भौतिक पुरस्कार ही मिलना चाहिए, जैसे कि चॉकलेट दे दी जाए या फोन हमें गिफ्ट में मिल जाए, तो ऐसा पुरस्कार, ठीक है, बाह्य पुनर्बनन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। और पुरस्कार को एक प्रभावकारी विधि कहा गया, मीन्स इफेक्टिव मेथड है, बच्चा काम करेगा, लेकिन दंड को अप्रभावकारी विधि कहा गया है, ठीक है, कि ये इफेक्टिव नहीं है, बच्चा और रिजिड हो जाएगा। हाँ, अब तो आज क्लास के बाद में तो मंडे को क्लास होगी, आप लोग टाइम से रहिएगा आप लोग, ठीक है। कहाँ चल दिए एजे? चलिए, तो अगली थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं पावलाव को। पावलाव को किस किसने पढ़ा हुआ है भाई? लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो आप लोग, ओके। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत हाई क्वालिटी में चलता है, सही है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं पावलाव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को, ठीक है। ये एक रशियन मनोवैज्ञानिक है, ओके, रूसी मनोवैज्ञानिक है, और ये शरीर क्रिया वैज्ञानिक रहे हैं। तो पावलाव ने आपको क्या दिया है? पावलाव ने आपको दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। इसे हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ओके। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर आगे प्रयोग एक वॉटसन ने अपनी वाइफ के साथ में मिलकर के किया हुआ है, ठीक है। इन केस मान लो कभी आपको ऑप्शन में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के साथ में पावलाव नहीं मेंशन है, देन अगर वॉटसन मेंशन है तब आप वॉटसन को आंसर वहां पर टिक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो भाई 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और इनके सिद्धांत को हम कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग जो नाम आपके हैं ना एक ही थ्योरी के, उनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में नाम कभी कभी चेंज कर देता है, ओके। अरे अभी आपके सर आ रहे हैं रिशु, तो रुक जाओ, बस चंचल सर आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है, ओके, थोड़ा सा रुक जाओ बस। हाँ, तो पावलाव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। तो इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हम समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या प्रयोग किया हुआ था, ओके। आइए, तो भाई अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक कुत्ते को लिया, ठीक है। जब इन्होंने कुत्ते को लिया तो उसके सामने क्या इन्होंने किया? खाना दिया उसको, ठीक है, फूड दिया उसको, खाना देते हैं। अब जो इन्होंने फूड दिया है इसको क्या हम कहते हैं? इसको यहीं पे मिलेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, पेशेंस बनाए रखो, ठीक है। हाँ, फूड इसको हम कहते हैं, तो फूड को हम क्या कहेंगे? अस्वाभाविक उद्दीपक हम कहेंगे फूड को। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तो ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, खाने को अस्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस हम कहते हैं, ठीक है, ओके। हो सकता है यूट्यूब वगैरह पे भी मिले आपके। हाँ, चालू होंगी चालू होंगी। तो अस्वाभाविक उद्दीपक इसको हम कहते हैं। अब इस अस्वाभाविक, भाई कुत्ता है तो कुत्ते की लार गिरना शुरू होगी भाई खाने को देख करके, ठीक है। तो खाने को देख करके कुत्ते की लार गिरी, तो भाई अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो इसने रिस्पॉन्स किया इसे कहेंगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया। आज क्वेश्चंस जब कराऊंगी ना तब ये टॉपिक और बेहतर ढंग से आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये जब भी खाना देते थे तो कुत्ते की लार गिरना शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो खाना क्या हो गया? खाना हो गया अस्वाभाविक उद्दीपक, और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जब रिस्पॉन्स कर रहा है कुत्ता तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अस्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब इन्होंने क्या किया, इनके अलग लेवल का वो था है ना कि लाओ कुछ और प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने घंटी बजाई भाई, ठीक है, घंटी बजाई, कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब घंटी बजा दी, कोई रिस्पॉन्स क्यों करेगा भाई, है ठीक है। तो घंटी बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो घंटी यहां पर हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस, यानी कि तटस्थ उद्दीपक हो गया,
ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, पूछ दिया जाता है, ओके, भूलिएगा मत। तो इसे हम तटस्थ उद्दीपक कहेंगे, न्यूट्रल स्टिमुलस कहेंगे। अब इसके बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में ये घंटी बजाते थे और घंटी बजाने के बाद में खाना देते थे कुत्ते को, ठीक है। तो घंटी के बाद में खाना देते थे, और लेकिन अभी भी जो लार गिर रही है वो आपके खाने के लिए ही गिर रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, अब कुत्ते को पता लग गया कि भाई जब खाना मिलेगा ना तो उससे पहले घंटी बजेगी, ठीक है। तो जब बेल बजती थी कुत्ते की लार गिरना शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो अब घंटी जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो क्या हो गया, वो कंडीशन्ड स्टिमुलस हो गया, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक हो गया अभी, ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। और स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जब हम अनुक्रिया करेंगे तो इसे हम कहेंगे स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स हम कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई हो तो बता दो। जैसे कि हमारा ही हाल ले लो, घंटी बजती है, बस्ता पैक करना शुरू कर देते हैं शाम वाली, जैसे ही घंटी बजी, है ना, तो वो जुड़ाव, एक जुड़ जाती हैं चीज़ें, ओके। तो ये थी इनकी थ्योरी, इन्होंने एक पूरा प्रयोग किया हुआ था कुत्ते के ऊपर। क्वेश्चंस यहाँ से सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ लिया था कि अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तो फूड को लगा देना पड़ेगा। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, तो खाने को देख करके जो लार गिर रही है वो अस्वाभाविक अनुक्रिया है। पूछ देगा कि भाई न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा बेल है न्यूट्रल स्टिमुलस। या आगे चल करके ऐसा कौन सा उद्दीपक था जो पहले तटस्थ था बाद में स्वाभाविक उद्दीपक बन गया, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा बेल, ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कौन सी अनुक्रिया हो रही, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। मैं एक बार ही रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। इन्होंने एक कुत्ते को लिया, कुत्ते के ऊपर इन्होंने एक प्रयोग किया, इन्होंने शुरुआत में अभी कंडीशनिंग नहीं कराई, अभी कुछ जुड़ा नहीं है, इन्होंने खाना उसको देना शुरू करते हैं, खाना देते हैं तो खाने के प्रति कुत्ते की लार गिरती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर नॉर्मली कोई बढ़िया खाना देखें तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, खाने के देख करके मुंह में पानी आना, अब खाना क्या है, खाना है अस्वाभाविक उद्दीपक। अब इसी अस्वाभाविक उद्दीपक को देख करके लार गिरना क्या कहलाएगी, अस्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी। अब इनके दिमाग में क्लिक हुआ कुछ, क्योंकि इनको थ्योरी देनी थी भाई अधिगम के ऊपर, तो इन्होंने एक घंटी बजाई, लेकिन घंटी के प्रति रिस्पॉन्स क्यों करेगा कुत्ता भाई, घंटी सुनकर के क्यों रिस्पॉन्स करेगा, उसको थोड़ी पता है कि हमें कुछ मिलने वाला है। तो जब कुत्ते ने घंटी के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसे कहा गया तटस्थ उद्दीपक, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस कह दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने घंटी बजा करके खाना देना शुरू किया, घंटी बजाते थे खाना देते थे, घंटी बजाए खाना दिया, घंटी बजाए खाना दिया, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या हुआ, इसकी जो लार थी कुत्ते की वो घंटी के साथ में जुड़ गई, कि जब घंटी बजे तो इसको कुत्ते को लग जाएगी भाई साहब अब हमको खाना मिलेगा। तो अब क्या हुआ, एक टाइम पे आकर के जो लार गिरना शुरू हुई वो घंटी के लिए गिरना शुरू हो गई, तो घंटी के साथ में कंडीशनिंग हो गई कुत्ते की लार की, है ना, कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। तो कुत्ते को लगा कि भाई साहब घंटी जैसे ही बजेगी खाना मिलेगा, तो घंटी की आवाज़ से इसकी लार गिरना शुरू हो गई। अब जो घंटी यहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस थी, इसे हम स्वाभाविक उद्दीपक कहेंगे, और जब स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है कुत्ता तो इसे स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, पावलाओ ने क्या किया, भाई घंटी बजाते थे उसको खाना नहीं देते थे, घंटी बजाते थे उसको खाना नहीं देते थे, कुछ टाइम तक इन्होंने ऐसा ही किया कि ये घंटी बजाए और खाना ना दे। तो भाई साहब जब लगातार आप ऐसा करेंगे तो कुत्ते की लार गिरना क्या हो गई, कुत्ते की लार गिरना बंद हो गई, और इसी क्रिया को हम कहते हैं विलोपन, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मैं आपको डेली कोई पुनर्बलन दूं, मैं डेली आपको क्या, वो आवाज़ स्लो है क्या, अब आप मुझे, मैं आपको डेली चॉकलेट देती हूँ, डेली आप उसी के लिए काम करते हो, लेकिन एक टाइम पे आके मैं आपको चॉकलेट देना बंद कर दूँ तो आप वो काम करना बंद कर दोगे, ठीक है। तो भाई साहब जब इन्होंने घंटी बजाए और खाना दे नहीं, घंटी बजाए खाना दे नहीं, तो एक टाइम पे आकर के उसकी लार गिरना बंद हो गई, तो जो ये अनुक्रिया होना बंद हो गई तो इसे हम कहेंगे विलोपन। अब मान लो जब बंद हो गई उसके बाद में इन्होंने फिर शुरू किया उसको खाना देना घंटी के साथ में, ठीक है, कि ये घंटी बजाए और धीरे धीरे फिर उन्होंने फिर वापस इन्होंने देना शुरू किया। अब मुझे बताओ क्या घंटी के प्रति अब उसकी लार गिरेगी,
बाद में इन्होंने फिर वही प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया तो लार गिरेगी। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं क्या, स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं इसी चीज़ को, कि दोबारा अनुक्रिया होगी अगर हम दोबारा कंडीशनिंग करने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्वतः पुनर्लाभ। समझ में आया आपको? ठीक है, आइए। तो बेसिकली घंटी और खाने के बीच का जो गैप है, या कोई काम और उसके बीच का रिस्पॉन्स का जो गैप है, सॉरी कोई काम और उसके साथ में जो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है उसके बीच का गैप 0.5 सेकंड का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो रिस्पॉन्स इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, अनुक्रिया का स्थापित होना कठिन हो जाएगा, वो चीज़ें जुड़ नहीं पाएंगी फिर वहाँ पर। ठीक है, इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई हो तो हाँ कर दो भाई जल्दी से। और इन्होंने पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इन्होंने यूज़ किया है स्वाभाविक उद्दीपन शब्द का। ठीक है, कंडीशन जिसे हम कंडीशन स्टिमुलस या बेल का बेल कहते हैं। ओके, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा, विलोपन वाला? रिंकेश, विलोपन या स्वतः पुनर्लाभ? एक बार लिख दो भाई जल्दी से, किस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हो? समझ में आई है आपको? अगर नहीं समझ में आई ना तो एक बार में, मे बी आपने पहली बार पढ़ा तो प्रॉब्लम हो रहा हो आपको, ठीक है, दोबारा एक बार देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो पावलोव की थ्योरी को हम एजुकेशन में कैसे लागू कर सकते हैं? अगर हमें किसी बच्चे की बुरी आदतों को में छुटकारा लाना है ना, या अच्छी आदतों को निर्माण करना है, या किसी चीज़ के रिवीजन के ऊपर बल देना है, तो इस थ्योरी को हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एजुकेशन में पावलोव की थ्योरी का इम्प्लीमेंट। स्वतः पुनर्लाभ, जैसे कि मान लीजिए कि पावलोव ने घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, घंटी बजाई खाना नहीं दिया, तो इससे लार क्या हो गई, विलोपित हो गई, छीड़ होने लगी, ख़त्म हो गई, फिर वो नहीं गिरती थी घंटी के प्रति। लेकिन बाद में इन्होंने दोबारा क्या किया कि फिर ये घंटी बजाए, फिर इन्होंने खाने के साथ में जोड़ना शुरू कर दिया। अगर हम दोबारा भी वो चीज़ करेंगे, इवन भले एक बार लार गिरना बंद हो गई थी, अगर हम दोबारा सेम प्रोसेस करेंगे तो लार गिरना वापस शुरू हो जाएगी घंटी के प्रति। इसी चीज़ को कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। ओके, चलिए, तो भाई टाइम याद रखिए 10 बजे सुबह का और 1:30 बजे मास्टर क्लास। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जो कि पेड क्लासेस है, वहाँ पर मेरी क्लासेस होना स्टार्ट हो गई हैं, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। Monica20 मेरा कोड है जिसको यूज़ करने से आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। अच्छा, वेरी गुड पूजा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सबको, स्किनर और पावलोव दोनों। अब आपको क्या करना है, एक बार इस थ्योरी को दोबारा देख लेना, ठीक है, और फिर नोट्स बनाना है इस थ्योरी के। ओके, और ऐसे ही मत बनाना कि लिख लिया हमने म्यूट करके स्क्रीनशॉट लेते हुए, एक बार देखते हुए। पिंकी टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पर मेरी पेड क्लासेस होती हैं। सुपर कोचिंग का एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पर जाइएगा और जितने मंथ का आपको लेना है आप ले सकते हैं। कोड मत भूलना मेरा लगाना, Monica20 MONIKA20, ठीक है, इसको नहीं भूलिएगा प्लीज़। ओके, PDF मैं देखती हूँ, मैं भेज दूँगी। ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का। मिस करती हूँ पूजा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ तो हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं तो हूँ। चलिए, ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ भाई आज का सेशन आपको सबको समझ में आया होगा। क्लास नहीं हो रही है अब भाई, उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ, है ना। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्लास अगर पसंद आ गई हो देन प्लीज़ लाइक कर दो, जितने भी बच्चे भी क्लास में मौजूद हैं, और कमेंट लास्ट में कर दिया करो आप लोग क्लास एंड होने के बाद में, और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि कि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग 1:30 PM पे। इशरत, जहाँ पे नहीं समझ आया दोबारा देख लेना इसको। ओके, थैंक यू।